And hello and welcome to Jupyter e-class. I am Deepak Kumar, PGT Computer Science and PGT Mathematics. This is the session of class 11th and 12th Computer Science. In this video, we'll discuss about the defined functions in the module. So let's move on the syllabus of Computer Science. This is the syllabus. आप लोग देख सकते हो ये सिलेबस है. इसके हम लोगों ने फंक्शन जो कि मैंने बताया था आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पर डिस्कस किया था. ठीक है, एक बार मैं आपको क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में ले चलूँ. यस, तो जो यूनिट फर्स्ट है अपना क्लास ट्वेल्थ का, फंक्शन डिफाइंड मॉड्यूल, इसको अपन कर रहे थे. हालांकि फंक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अपने, बस ये बच गए थे फंक्शन डिफाइंड मॉड्यूल. तो इसके जो कुछ पोर्शन नहीं पढ़ पाए थे अपन ने पिछले लेक्चर में, उसको आज कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो मूव ऑन द जुपिटर नोटबुक. ठीक है, ये फंक्शन क्या है, कैसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, आर्गूमेंट्स क्या है, पैरामीटर्स क्या है. ठीक है, ये सब को पढ़ चुके थे हम लोगों ने. मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया था फंक्शन को जो डिफाइन किया गया है, एक्चुअली थ्री टाइप्स के हैं. तो बहुत सारे फंक्शन डिफाइंड, लेकिन जो अपने को ट्वेल्थ लेवल तक पढ़ना है वो है मैथ्स, रैंडम और स्टेटिस्टिक्स. ठीक है, मैथ्स के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैथ्स क्या होता है. ठीक है, मैथ्स को कैसे, कौन कौन से, जैसे सेल हमने बताया था, फ्लोर, फेव्स, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, फैक्टोरियल, जीएसडी, पावर. अब नेक्स्ट हम लोग रैंडम पढ़ते हैं, रैंडम मॉड्यूल. तो चलिए रैंडम मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूं रैंडम मॉड्यूल को. यस, ये मैंने रैंडम मॉड्यूल के लिए देखते हैं. देखो, किसी भी मॉड्यूल को मैंने क्या बताया, यूज करने से पहले हम उसको इंपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट रैंडम, रैंडम नाम से एक मॉड्यूल है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया. ठीक है, अब इसके हम लोग चार फंक्शंस पढ़ेंगे. पहले, अगर हमको चाहिए जीरो से वन के बीच कोई फ्लोटिंग पॉइंट रैंडमली, तो हम लोग यूज करेंगे प्रिंट रैंडम. फंक्शन के अंदर एक और है क्या, फंक्शन है रैंडम के अंदर रैंडम. तो ये जो पहला वाला रैंडम है ये एक्चुअली मॉड्यूल का नाम है जो आपको दिख रहा है, और ये दूसरा वाला जो है ये इस मॉड्यूल के नाम, इस क्या फंक्शन है. ठीक, अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो आप देखोगे एक फ्लोटिंग पॉइंट आपको मिल रहा है जो कि जीरो के वन के बीच में है. जितनी बार इसको रन कराओगे अलग अलग रैंडम नंबर आपको जनरेट होंगे, और ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो और वन के बीच में ही होगा. तो इट रिटर्न द फ्लोटिंग पॉइंट बिटवीन जीरो एंड वन. जीरो और वन के बीच के फ्लोटिंग पॉइंट को ये हमेशा देता है. ठीक है, पहला ये फंक्शन क्लियर हो गया होगा. दूसरा जो फंक्शन है, अगर हमको चाहिए इंटीजर, जैसे मान लो हम लोगों ने बहुत सारे गेम खेलते हैं, डाइस गेम जो खेलते हैं, तो रैंडमली इसके अंदर आते हैं 1, 2, कभी 3 आया, कभी 6 आया, कभी 5 आया, तो इस चीज़ों को वो रैंडमली रहता है. ठीक है, तो इसके ऐसे प्रोग्राम को जब हम करते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रैंडम डॉट रैंड इंट, मैंने लिखा प्रिंट रैंडम. रैंडम यहाँ फिर से क्या है, मॉड्यूल का नाम है, और इसका फंक्शन है रैंड इंट. यहाँ पे आपको रेंज पास करना पड़ेगा कि किस रेंज से चाहिए. जैसे मान लो मैं 1 से 6 तक रेंज लिया. ठीक है, तो आप अब देखोगे ये 1 से 6 का आएगा हमेशा, 1 से 6 के बीच. देखो अभी 1 दे दिया, अभी आप देखोगे 4 आ गया, फिर से मैं रन कराऊंगा तो 5 आ गया. ठीक है, तो ये डिफरेंट हर एक बार जब इसको आप रन कराओगे, हर बार जब 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 ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो कुछ अलग देगा, 1 और 6 के बीच के इंटीजर्स को ये. ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो 1 और 6 इंक्लूड होगा. ठीक है, 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है. ठीक है, तो इट रिटर्न इंटीजर बिटवीन द रेंज,
बिटवीन द रेंज, या रेंज के अंदर के रेंज के बिटवीन के क्या देगा, इंटीजर को शो कराएगा, ठीक है, एक हमेशा। क्लियर हो गया, ठीक है। इससे ही मिलता जुलता एक और फंक्शन है जिसको अपन बोलते हैं रेंड रेंज। तो पहले रैंडम डॉट रेंड रेंज, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी आप इसके एक वैल्यू यहाँ पे अगर मान लो हमने 5 दे दिया, तो 0 से 5 के बीच में ये इंटीजर करेगा, ये हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। अब आप देखते हैं 0 से 5 के बीच में इसने 1 दिया, ठीक है, 0 से 5 के बीच में इसने 2 दिया, 0 से 5 के बीच में इसने 4 दिया। तो हमेशा ये क्या करेगा, 0 और यहाँ जो हम लोग लिखेंगे एन का वैल्यू, इसके बीच में ये इंटीजर हमको प्रिंट करके देगा। तो इसमें भी मैं लिख देता हूँ इट रिटर्न द इंटीजर बिटवीन द रेंज 0 टू n, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, ये पैरामीटर्स है, ठीक है, आर्गुमेंट्स हैं जो हमने पास करें इस फंक्शन कॉलिंग, क्योंकि ये फंक्शन कॉलिंग का टाइम है इसलिए मैं इसको आर्गुमेंट बोला हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। एक और है, जब अपने को रैंडम इंटीजर चाहिए x और y के बीच में, तब भी आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर मैं लिखूं प्रिंट, ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख दूं 3 से 5 के बीच, तो आप 3 से 5 के बीच में देखेंगे 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0.4 आ रहा है। तो एक्चुअली ये जो पहला मैंने रेंड इंट लिखा और दूसरा जो 3.5 लिखा, ये एक्चुअली दोनों के वर्क सेम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका भी यही लिख देता हूँ। ये तो थे अपने रैंडम फंक्शन, ठीक है, जो आप लोगों को समझ आया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है, इजी है, लेकिन बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, बहुत ही यूजफुल है। आप इसके रियल टाइम एप्लीकेशन देख सकते हो, जब हम लोग कुछ ऐसे गेम बनाते हैं जहाँ पे रैंडमली, जैसे आप ऐसे सोचो, जैसे मान लो हमने कार रेसिंग गेम बना रहे हैं, अब कार रेसिंग में जो ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे कार के सामने, वो रैंडमली आता है, उसके कोई फिक्स्ड लॉजिक नहीं होते कि इसके बाद आएगा। इस तरह अगर कलर गेम की बात करूं तो कलर फिक्स रहते हैं इसके अंदर, कभी ग्रीन आएगा, कभी ब्लू आएगा, कभी रेड आएगा, ठीक है। तो जहाँ पर रैंडम चीज़ें हो रही है वहाँ ये इस टाइप के मॉड्यूल के काफ़ी यूज होते हैं। हालांकि गेम डेवलपमेंट में इसके बहुत ही ज़्यादा यूज है, अगर आप गेम डेवलपमेंट में जाओ तो, ठीक है। और भी इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें इसके बहुत सारे यूज है। तीसरे जो मॉड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटा एनालिसिस के फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज है, वो है स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, मॉड्यूल। ये इसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। इंपोर्ट करने के लिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज होता है किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। अब स्टेटिस्टिक्स, देखो बहुत बड़ा ये वर्ड है स्टेटिस्टिक्स, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एसटी नाम से इसका एक एब्रीविएशन क्रिएट कर देता हूँ एसटी नाम से, ठीक है। अब चलो पहला हम लोग मीन निकालना सीखते हैं। मीन क्या होता है, मीन जैसे आप लोगों को पता है मीन मतलब एवरेज होता है। अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर दूं, यहाँ से अगर मैं आप लोगों को बताऊं मीन क्या होता है, मीन को समझते हैं। तो पहले तो मीन को मैं समझाऊं, ये मीन होता क्या है, ठीक है। मीन या इसको एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज, ठीक है, मीन और एवरेज, इसको याद रखना है, ठीक है। डेटा एनालिसिस में बहुत यूज आता है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ, जैसे 2 लिखा, ठीक है, 4 लिखा, 8 लिखा, 3 नंबर है, तो इसका जो मीन होगा, मीन अगर ये एक्स है, इसको अगर एक्स बोल दें, तो मीन का मतलब होता है जो ये एक्स टू दी पावर एक्स बार पढ़ते हैं इसको, तो ये डिस्प्ले मीन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है जो भी आपके पास सीक्वेंस है गिवेन, इसको ऐड कर दो, 2, 4 को और 8 को ऐड कर दो, और आपको देखना आपके सीक्वेंस के एन कितने हैं, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सीक्वेंस में कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखो 3 है, तो हम लोग 3 लिख दिए, तो ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा क्या, 14/3,
मतलब 4 पॉइंट समथिंग, 4.6, ठीक है, और भी आएंगे इसके अलावा, 4.6 तक मैंने लिख दिया, ठीक है। मीन समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एक फॉर्मूला है मीन का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसके अभी तो बस कंसेप्ट समझना है क्या होता है मीन। इसके अलावा यहाँ तो एक्चुअली बने बनाए फंक्शन है, तो ओनली आई हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ फंक्शन, हाउ वी कैन यूज दिस। जैसे एस टी लिखा मैंने, पहले प्रिंट लिखा देता हूँ, शो होना चाहिए, प्रिंट एस टी डॉट मीन। अब इसके अंदर हम सीक्वेंस पास करते हैं, तो सीक्वेंस को मैंने बताया था क्या किस में पास करते हैं अपन, एक्चुअली लिस्ट में, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी लिया जो 2, 6 और 8, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 5.333 करके आ गया। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 8 और 6 14, 14 और 2 16, तो 16 डिवाइड बाई 3 यही आएगा, ठीक है। जो मैंने अभी अभी आपको डेटा दिखाया था, मैं इसका भी बता देता हूँ, ये क्या था, 248 था एक्चुअली। जब मैं यहाँ 248 लिखोगे तो 4.677, इस तरह से 4.6667 आया, ठीक है। तो ये तो था हमारा मीन निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है। क्या रिटर्न करता है, तो इट रिटर्न मीन ऑफ द सीक्वेंस, मीन ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को मीन। अच्छा, एक और ही सेंट्रल टेंडेंसी होती है डेटा की, उसको अपन बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो मीडियन पहले समझ लेते हैं, मीडियन होता क्या है। अगर मैं बात करूं, यहाँ एक और डेटा लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एक और डेटा सेट मैं लेता हूं। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे डेटा सेट लिया, 2, 6, 6, 5, 4, ठीक है, तो ये हमारे डेटा वैल्यू है, रॉ डेटा है। इसको सबसे पहले क्या करना रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में बनाओ। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, 2, 4, 5 और 6, 6 यही आएगा, 2, 4, 5, 6 और 6। अब अपने को गिनना है ये कितने नंबर है हमारे पास, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसके एक्चुअल मिडल में जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअल मिडल में 5 आ रहा है, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, एक्चुअली 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जब हमारे पास ऑड नंबर्स रहे, ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर वो ऑड है तो हम तो कर सकते हैं, एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इवन हो जाए यहीं पे, तो हम लोग क्या करते हैं, तो इवन के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो बीच के यहाँ पे दो नंबर आपको दिखेंगे, जो भी दो नंबर यहाँ पे आएंगे, इस दोनों का मीन निकाल देना है, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, ये हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए निकाल के देखते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे प्रिंट st.median, और इसके अंदर मैं सीक्वेंस पास करूं, तो जैसे मैंने लिखा 2, 5, 6, 6, 4, ठीक है, 2, 5, 6, 6, 4, और मैं यहाँ पे करूँ तो आप देखोगे 5 आया था। इसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि ये 5 आएगा, ठीक है। अगर मान लो एक और नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मेरे यस, ठीक है, यहां पे मैं इसी चीज को कॉपी करता हूं और मैं यहां एक और नंबर ऐड करता हूं, ठीक है। अब आपको बता रहा है इसका मीडियन क्या आएगा, देखो मीडियन इसने तो 4.5 दे दिया, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, जब इसको हम लोग असेंडिंग में करेंगे तो 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आएगा। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो क्या आने क्या वाला है, जो डेटा आने वाला है अपना वो कुछ इस तरह का आने वाला है, 2, 3, 4, 5, 5, 6, तो ठीक है। तो यहां तो हमने 2 का बना लिया पेयर, यहां भी बन गया 2,
बीच में हमारे दो वैल्यू बच गए, 4 और 5, 4 और 5 हो गए। तो 4 और 5 का जब मैं मीडियन मीन निकालूंगा तो क्या होगा, 4 प्लस 5/2, 4 प्लस 5 9, 9/2 क्या होता है, 4.5 होता है। तो आंसर क्या आने वाला है, 4.5। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आंसर हमको क्या मिला है, 4.5। ये तो था मीन मीडियन। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, इट रिटर्न्स द मीडियन ऑफ सीक्वेंस, मीडियन ऑफ सीक्वेंस। इसके बाद जो तीसरा सेंट्रल टेंडेंसी है वो मोड, ST.mode, अब पहले मोड को समझ लें, मोड क्या बताता है, मोड कंसेप्ट का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, मान लो एक सीक्वेंस देता हूँ, 2 1 3 2, ठीक है, 2 1 3 2। ठीक है, अब इसको पहले मोड को समझते हैं। देखो, किसी भी सीक्वेंस में कौन से नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मोड। ठीक है, इस चीज को समझें अगर अपन, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने क्या डेटा दिया, 2, अगर आप यहां से डेटा को ध्यान से देखोगे तो हमने डेटा दिया है 2 1 3 2, 2 1 3 और 2। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो यहां इस वाले सीक्वेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है ऐसा, एक ही नंबर ऐसा जो दो बार आया है, 2 2 2 टाइम आया है, 1 1 टाइम आया है, 3 भी 1 टाइम आया है। तो सबसे ज्यादा बार आया कौन, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 2 का, 2 2 टाइम आया है, तो मोड क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखोगे मोड, तो मोड देखो 2 मिल गया। हाँ, एक क्वेश्चन मन में आ सकता है, जो अगर मान लो कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे कि यहां पे मैं एक काम एक और करता हूं, 1 को भी 2 बार कर देता हूं, तो क्या आंसर आएगा, वाली बात है, तो भी 2 आंसर आएगा, तो भी आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो भी आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए एक बार और करता हूं, यहां 3 को कर देता हूं, तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, क्योंकि पहला बार जो पहला नंबर आया उसके चेक किया जाएगा, जी इस सबसे ज्यादा बार कितना बार आया है, 2 बार आया। अगर यहां पे मैं 1 कर दूं, यहां पे 1 कर दूं, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दो, तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर मिलने वाला है, 1, क्योंकि ये पहला नंबर से ही चेक करता है, जो पहली बार जो नंबर आया वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर पहला से ज्यादा दूसरे बार है तब हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख लूं तो आंसर 3 आएगा। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे याद रखने वाली बात है, अगर नंबर्स जो है हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, तो जिसका पोजीशन पहले होगा वो मोड माना जाएगा, जिसका पोजीशन पहले होगा वो मोड माना जाएगा। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है, इट रिटर्न्स द मोड ऑफ द सीक्वेंस, मोड ऑफ द सीक्वेंस। तो मे बी सब क्लियर हो गया होगा, रैंडम मॉड्यूल का क्या काम होता है, स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल क्या है, इसके बहुत यूज आते हैं, डेटा हम लोग जब डेटा एनालिसिस देखेंगे, फाइल बनाना सीखेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा यूज आएगा, रैंडम का भी और स्टेटिस्टिक्स का, मैथ्स का तो आता ही आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शंस के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।